झारखंड में चुनाव प्रचार तेज हो चुका है। इस बीच बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत प्रदेश के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। पार्टी ने इसे संकल्प पत्र का नाम दिया है। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि ये चुनाव केवल सरकार बदलने का चुनाव नहीं है, बल्कि झारखंड का भविष्य सुरक्षित करने का चुनाव है। ये झारखंड की महान जनता को तय करना है कि भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार चाहिए या फिर विकास के रास्ते पर चलती हुई मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार चाहिए। भाइयों बहनों, झारखंड का ये चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है, झारखंड का यह चुनाव झारखंड का भविष्य सुनिश्चित करने का चुनाव है। झारखंड की महान जनता ने तय करना है कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार चाहिए या विकास के रास्ते पर मोदी जी के नेतृत्व में चलती हुई भाजपा सरकार चाहिए। घुसपैठ कराकर झारखंड की अस्मिता, रोटी बेटी माटी तीनों को खतरे में डालने वाली सरकार चाहिए या परिंदा भी पैर न मार सके ऐसी सरहद की सुरक्षा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। बेरोजगारी से त्रस्त युवा, पेपर लीक से त्रस्त युवा आज भाजपा में आशा की दृष्टि से अपना भविष्य ढूंढ रहे। साथ ही अमित शाह ने कहा कि हम इन घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, हम कानून लाएंगे और महिलाओं से छीनी गई जमीन उनकी वापस करेंगे। हेमंत सोरेन, आप झारखंड की महिलाओं को सुरक्षा देने में विफल रहे हैं और आप वोट बैंक की लालच में चुप बैठो, उनके पास से भेंट लेकर उनकी संपत्ति हड़प करने का एक षड्यंत्र, एक घुसपैठिया चला रहे हैं। हाईकोर्ट इसका संज्ञान लेती है, एक ऑर्डर करती है कि घुसपैठिए को चिन्हित करिए, इनको डिलीट करिए, डिटेक्ट करिए और डिपोर्ट करिए। झारखंड सरकार ना बोलती है, हेमंत सोरेन आप बचा नहीं पाओगे। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली। और जो घुसपैठिया जमीन हड़प कर बैठे हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं, चैन की नींद सोना बंद कर दो। भाजपा सरकार आएगी, ये भेंट से दान से जमीन हड़पाने का कानून हम लाएंगे, इसको प्रतिबंधित करेंगे और उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लाकर जिन महिलाओं का भूमि गया है उनको फिर से वो महिलाओं के नाम पर लाने का काम भी करेंगे। हेमंत सोरेन, आप झारखंड प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम रहे हो। गौरतलब है कि पार्टी ने पंचप्रण पहले ही जारी कर दिया है। इसमें सरकार बनते ही गोगो दीदी योजना और लक्ष्मी जोहार योजना शुरू करने की बात कही गई है। इसके अलावा 5 लाख स्वरोजगार के अवसर देने के साथ ही 2.87 लाख खाली पदों के निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भरने की बात भी कही गई थी। साथ ही घर निर्माण करने के लिए मुफ्त बालू उपलब्ध कराने की बात कही गई है। कुल मिलाकर बीजेपी ने झारखंड की जनता को अपने पक्ष में करने के लिए पूरा दांव चला है। अब देखना है कि जनता इनके घोषणा पत्र पर कितना यकीन करती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।